लेकिन मिल्टा के पास जो दो टीम्स के यहां पे बैठी हुई है, इनके जस्ट इर्द गिर्द से यहां पे आइकोसोल भी अब जोन के अंदर एंटर करना चाहते हैं क्योंकि हमें स्पॉट किए जा रहे हैं। तो ये तो टीम्स ने अभी जगह बना लिया, लेकिन आइकोसोल की जो मैं बात कर रहा था कि क्या फाइट हमें देखने को मिल जाएगी, और चलिए टाउन जरूर किया, लेकिन रॉनी एंड नकुल दोनों के दोनों प्लेयर्स यहां पे डाउन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप सौम्या पहुंच के वहां पे रिवाइवल देना चाहेंगे, एंड अगर मैं किरमाड़ा की बात करना चाहता हूँ वो कहां पे है, गेमिंग के स्केलेटन खुद को दूर लेके जा रहे, फ्रैंकलिन का एलिमिनेशन हो चुका है, डेविल एंड फ्लैक्शर ऑलरेडी घुटनों पे, और अब स्केलेटन की बदौलत ये टीम जरूर अपने खाते में कुछ फिनिशेस निकाल सकती है, कुछ पॉइंट्स निकाल सकती है। लेकिन आप आइकोसोल, अगर आप कैपेबल नहीं हो, अगर आपके पास पोटेंशियल नहीं है इस फाइट को वापस से जीत पाने का, तो फिर तो आपको हम एलिमिनेट करेंगे। एक 2v3 की फाइट्स में फोर मिरेकल के साथ टीम आइकोसोल यहां पे इंगेज हो चुके हैं। बैक एंड में वापस कैनेटन भी आ सकते हैं, डी मैक्स के ऊपर ग्रेनेड आया था, थोड़ा सा वो डैमेज हुए जरूर, लेकिन पीछे हटने की कोशिश करें ग्रेनेड्स के। उसके बाद मॉलिस भी यहां पे आपको दिखाई दे सकते हैं, और मैक्स का बचपाना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो ग्रेनेड रॉनी का जाएगा और बैक टू बैक करता हुआ दिखाई दे सकता है। एक ग्रेनेड, दो प्लेट्स डाउन, और अब मैक्स की पोजीशन के बारे में टीम आइकोसोल को थोड़ा भी अंदाजा नहीं था, लेकिन सौम्य ने, चलिए एक नॉक तो जरूर यहाँ पे नकुल हुए, लेकिन सौम्य ने ऑन द स्पॉट फिनिश ऑफ किया, एंड पूरी की पूरी कहानी, चलिए स्केलेटन की तरफ से एक नॉक की उम्मीद की जाएगी। दोनों टीम्स यहाँ पे सामने बैठे हुए जरूर, एक 1v4 का सिचुएशन दोनों टीम्स के बीच में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सौम्य वहां पे डाउन किए गए स्केलेटन की तरफ से, हाथों में S12 के जरूर है, HP यहाँ पे फुल दिखाई दे रहे हो, लेकिन वो ग्रेनेड जो किरमाड़ा पुल एंड थ्रो करना चाहते उससे शायद यहाँ पे बात बिगड़ सकती है। एंड फाइनली मैंने कहा था वो किरमाड़ा का ग्रेनेड जरूर किल कन्फर्म करेगा, लेकिन टीम आइकोसोल के लिए फाइट अब तक खत्म नहीं हुई है। वो निंजा जॉट जो कि कुछ दिन पहले खेल रहे थे आइकोसोल में, वो अब कहना कि मोगो में दिखाई दे रहे, और मोगो एंड आइकोसोल की फाइट यहाँ पे शायद इनिशिएट होने वाली है। फिलहाल रॉनी तो सबसे आगे ग्रेनेड को कर चुके हैं, पहला नॉक देखने को मिलेगा किरमाड़ा का डेस्ट्रो की तरफ से, एंड डेस्ट्रो की बात करना चाहता हूँ वो खुद की व्हीकल से गिर के यहाँ पे नॉकडाउन हो चुके हैं। लेकिन आइकोसोल के लिए मोगो वर्सेस टीम आइकोसोल, कौन सी वो टीम है जो कि जीतने वाली है। डेल्टा बीजी डाउन नकुल के वो ग्रेनेड से, एंड डेस्ट्रो तो पहले ही घुटनों पे डाउन थे, और आप देख लीजिए निंजा का वो ग्रेनेड टीम मोगो को कि वो रिवाइवल दे अपने प्लेयर को, पुश करे और आइकोसोल को इस मैच से डायरेक्टली फिनिश ऑफ करके बाहर भेजते। और एक और ग्रेनेड जस्टिन का, हाँ तो मैं X12 के हमें देखने को मिलता हुआ दिखाई दे सकता है, और एक बस यहाँ से नॉक निकालना है, और बस वो नॉक निकाल के फिनिश ऑफ कंफर्म करना है। थोड़ा सा इंतजार दोनों टीम्स के बीच में, चलिए टीम 23rd के एक प्लेयर डाउन की पूरी टीम यहाँ पे 23rd का एलिमिनेशन हुआ। लेकिन अब मोगो स्पोर्ट्स वर्सेस टीम आइकोसोल की फाइट अगेंस्ट में देखने को मिलती हुई दिखाई दे सकती है, और इस बार निंजा जॉर्ज जो है वो सबसे पहले एलिमिनेट हो चुके, बदला लिया जा रहा है टीम आइकोसोल की तरफ से क्या, या फिर एक और बार आइकोसोल इस मैच में फिनिश ऑफ होने वाला एक स्ट्रीक यहां पे मोगो स्पोर्ट्स के यहां पे हासिल करके लेके जाएगी। आइकोसोल के नकुल यहां पे सामने दिखाई दे सकते हैं, एक 1v1 की फाइट यहां पे जस्टिन के साथ डॉट HP है, फिनिश ऑफ किया जा सकता है, लेकिन क्यों नकुल पीछे हट रहे समझ में नहीं आ रहा, क्या उनको इनकी पोजीशन के बारे में पता नहीं है, शायद ऐसा ही कुछ यहां पे हो रहा है। एंड वो पुश करने के बजाय डेस्ट्रो को रिवाइवल देना जरूरी समझ रहे हैं, एंड वहीं पे अगर आप नकुल को देखेंगे तो वो अपने बाकी दो प्लेयर्स को रिवाइवल देना चाहते हैं। नकुल एक ग्रेनेड कुक करेंगे, ग्रेनेड थ्रो करना चाहते हैं, सोमे को देख लीजिए वो सामने रिवाइवल के लिए तरसते हुए दिखाई दे रहे हैं। डेस्ट्रो जो डाउन थे, फिनिश ऑफ कंफर्म नकुल के ग्रेनेड से, एंड जस्टिन वो आखिरी वो लम्हा जो कि वो आखिरी सांस से लेते हुए मोगो स्पोर्ट्स दिखाई दे रही, शायद इस गेम में से हमें खत्म देखने को मिले। और फाइनली रॉनी नॉकडाउन जरूर हुए, लेकिन नकुल अपने साथ एक सेवियर का टैग लेके जाते हुए दिखाई दे रहे, और 1v3 करके यार लिटरली ये बंदा कभी तो ऐसा करेगा डिसअपॉइंट करे भाई, मतलब लाइक। और रेवेनेंट की वो टीम है जो कि 8 फिनिशेस निकाल चुकी है सामने आइकोसोल, जिनके पास 0 फिनिशेस है अब तक इस मैच में, एक भी फाइट नहीं हुई उनकी, और ये टीम 2 फाइट्स निकाल चुकी बिना किसी लॉस के। लेकिन अब अगर आइकोसोल को पुश करना है तो एक हाथ यहां से नॉक निकालना पड़ेगा, आइकोसोल को अगर सामने वाली टीम को एलिमिनेट करना है तो एक हाथ नॉक निकालना पड़ेगा, तो शायद यहां पे आइकोसोल के प्लेयर्स डाउन हो सकते हैं। ओ, 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 और पहला नॉक नकुल की तरफ से देखने को मिलता हुआ, किरमाड़ा की बात करना चाहता हूं वो भी हमें रेवेनेंट की तरफ से डाउन होते हुए दिखाई दे चुके हैं। मतलब टीम आइकोसोल के पास भी अब 3 प्लेयर्स बचे हुए जरूर है, वहीं पे टीम रेवेनेंट के पास अब 2 या 3 ही प्लेयर्स यहां पे अलाइव दिखाई दे रहे हैं। और देख लीजिए कहानी खत्म हुई, और नकुल ने एक 1v4 करके इस टीम की कहानी खत्म कर दी है। लिटरली कहना चाहता हूं यहां पे अब 2 प्लेयर्स के साथ जो टीम 11 पुश कर रही है उनको पता नहीं है कि उनके सामने कौन खड़ा है, उनका काल नकुल और रेवेनेंट की टीम की क्या तारीफ कर रहा था मैं, मतलब लाइक 8 फिनिशर्स निकाले, 2 फाइट्स लड़े, एक भी प्लेयर्स का एलिमिनेशन नहीं हुआ, एंड आइकोसोल आए उनके नकुल ने उनके सारे के सारे प्लेयर्स को फिनिश ऑफ कर दिया। नहीं, थोड़े से डैमेज आ रहे हैं लेकिन अब नॉकडाउन किए जाएंगे। चलिए टीम गॉडेन लोल्स के मुदीर की तरफ से उनका डाउन हमें देखने को मिलेगा, लेकिन सौम्य आप कंप्लीटली एक्सपोज नहीं हो सकते, कंप्लीटली आप बाहर नहीं जा सकते, खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक प्लेयर पहले आर्यन वहां पे डाउन थे, और अब VST एक्स इशू
विशु ना, ओके एंड चलिए किरमाड़ा उनका भी खेल यहाँ पे खत्म करेंगे ना। आईकू सोल अपने खाते में 9 फिनिशेस दर्ज करके लेके जा चुकी है और वरुण क्राय को फिनिश ऑफ करेंगे। अगर वहां पे वरुण क्राय का एलिमिनेशन हो जाता है तो पूरी टीम एलिमिनेट होने वाली, लेकिन आप की बात है बाद में। टीम तामिलियंस की बात करना चाहता हूं। अब आईकू सोल जोन के अंदर जस्ट एक नॉक निकाल के उस स्क्वाड हाउस के ऊपर पुश कर चुकी है और कल का बदला आज कोडलूल से लिया जाएगा। नकुल की तरफ से कुन्नाल को डाउन किया गया और आप सिर्फ और सिर्फ कुन्नाल के फिनिश ऑफ संचित के डाउन होने के बाद जो आखिरी उम्मीद थी जिनका नाम क्रिमजोन है एंड शायद हमें वो एलिमिनेट होते हुए दिखाए थे, लेकिन मुदित वहां पे रिवाइवल हो चुके हैं। सबसे पहले वही डाउन हुए थे, क्रिमजोन ने रिवाइवल तो दिया है, लेकिन अब क्रिमजोन टीम आई को सोल के प्लेयर, बट ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला है। लेकिन क्या सच में ऐसा कुछ हमें देखने को मिल सकता है बदले लाइक इतना जल्दी हो सके टीम आई क्यू सोल को यहाँ पर कर लेना चाहिए, क्योंकि उस प्लेयर के पास में अभी के लिए ज्यादा कुछ यहाँ पर ऐसा है नहीं। और अब सामने से वो तीन प्लेयर क्लोजिंग करेंगे स्पॉट करा, बट नहीं वो शॉट गन का शॉट टीम आई क्यू सोल की तरफ से आता है। नॉकआउट हालांकि अभी तक यहाँ पर देखने को मिले नहीं है, बट इस बार यहाँ पर फिलहाल नकुल ने भी कुछ ट्रेस किए, बट वो बहुत लंबा स्प्लिट हो गया। मान्या को भी यहाँ पर टेक डाउन कर दिया जा चुका है और अब टीम आई क्यू सोल लास्ट यहाँ पर वो दो प्लेयर्स इस बार अलाइव रहेंगे और फिलहाल के लिए वो एक और प्लेयर को स्पॉट करके टेक डाउन यहाँ पर किया जाएगा। बट फिलहाल यहाँ पर टीम नंबर 21 उनके पास में भी वो लास्ट यहाँ पर प्लेयर है वनैश यहाँ पर रहने वाले दो और भी स्पेस करने की कोशिश इस बार यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। वो सभी टीम को इस बार यहाँ पर एलिमिनेट करना तो चाहते हैं, बट फिलहाल देखना होगा वो चीजें वो किस तरीके से यहाँ पर पॉसिबल होने वाली है। फिलहाल के लिए वो सोटिंग के ऊपर हम बात करें हो सकता है हाँ सर के बारे में वैसे इन माय ओपिनियन बातें अच्छा ओके। फिलहाल के लिए यहाँ पर टीम आई क्यू ओके रॉनी उनका ग्रेनेड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्लोज वो हो सकता था, वो अपने ग्रेनेड्स के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से इस बार यहाँ पर कुछ वैल्यू इस बार यहाँ पर कहीं ना कहीं बना सकते हैं। और रॉ किरमाड़ा का एक बहुत अमेजिंग सा ग्रेनेड जाएगा आउट यहाँ पर जो है वो किरमाड़ा की तरफ से निकाला गया और अब यहाँ पर नॉकआउट नहीं होना था। रॉनी यहाँ पर गलत टाइम पर नॉकआउट हुए हैं और अब एक और बार वो ग्रेनेड वापस से पिन किया जा रहा है माइटी के काफ़ी ज़्यादा क्लोज वो ग्रेनेड यहाँ पर अभी हो सकता है, बट वो ग्रेनेड को मिस आउट करेंगे और अब किरमाड़ा डायरेक्टली जाकर उनको रशिंग कर लेना चाहिए। फिलहाल के लिए वो एक मोलोटॉव में भी हो सकता है वो थ्रो करेंगे, बट नहीं उससे पहले वो शॉटगन को लेकर ही वो यहाँ पर क्लोजिंग करने वाले एक प्लेयर को स्पॉट करा। मॉल वापस से अपनी डीबीएस का कमाल यहाँ पर दिखाना होगा। सामने से वो जस्ट जो प्लेयर है वो यहाँ पर काफी ज्यादा क्लोज आ चुका है, बट उनके ऊपर भी वो शॉट्स आते हुए दूर से, बट इस साइड से नहीं जाना है उनको। फाइनली जाएंगे और यहाँ पर क्लच भी करके जाते हैं माड़ा के पास में, वो यहाँ पर फिलहाल के लिए 5 फिनिशेस देखने को मिलते हुए और एक और मोलोटॉव वो काफी ज्यादा क्लोज जाएगा। फिर माड़ा वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है प्लेयर, काफी ज्यादा क्लोज हो सकता है। कनेक्शन जो है वो भी कहीं ना कहीं इस बार यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अक्षय के ऊपर भी यहाँ पर वो ग्रेनेड गया था और अक्षय को भी आई गेस वो डाउन कर चुके हैं। किरमाड़ा यहाँ पर दो बैक टू बैक क्लचेस निकाले, इनके आसपास यहाँ पर जो है वो एक और टीम है टीम WSB की स्क्वाड भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। सो कहीं ना कहीं दिक्कतें हो सकती है टीम आईक्यू सोल मान्या और अब टीम नंबर 20 का वो प्लेयर टॉक्सी जो है वो यहाँ पर फंसा हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल वो प्लेयर काफी ज्यादा मुश्किलों में हो सकता है और इसी के साथ साथ वो ग्रेनेड किया जाएगा मान्या की तरफ है। वो अंदर की तरफ आ तो चुका था बट फिर भी मान्या जो है वो सर्वाइव करेंगे, बट रॉनी जैसे कि मैंने कहा था वो एक एक्स फैक्टर यहाँ पर बन सकते हैं इस फाइट में और वो एक शानदार तरीके से पहला फिनिश क्योर किया गया और अब बाकी सभी प्लेयर्स को भी जो है वो इस बार यहाँ पर डाउन किया जा सकता है। वो एक एक करके कुछ और भी ग्रेनेड जो है वो भी यहाँ पर थ्रो करा जा सकता था, बट फिलहाल के लिए कार्पेडियम मैक्स की तरफ भी वो एक ग्रेनेड काफी ज्यादा क्लोज हो सकता है। वो दोनों प्लेयर्स डाउन किए जा सकते हैं उस एक ग्रेनेड से और वो इनफेक्ट दोनों नहीं वो तीनों ऑलमोस्ट यहाँ पर डाउन हो चुके थे। इन्फिनिटी छोड़ने वाले हैं वो प्लेयर ऑलरेडी काफी ज्यादा लो एचपी पे था बट खुद को हील अप कर चुके हैं। रॉनी वर्सेज इन्फिनिटी की वो एक 1v1 की फाइट रहेगी और ये अगर फाइट बन जाती है बट नो रॉनी गेट्स टेकन डाउन एंड देयर गोज द लास्ट प्लेयर क्लच गॉड आएंगे डाउन करेंगे टीम आईक्यू सोल और जो टीम नंबर 20 थी दोनों का ही एलिमिनेशन इस मैच से हो चुका।